हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास टेंथ का संस्कृत चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है कर्णस्य दानवीरता। तो हम लोग देखेंगे कर्णस्य दानवीरता का सभी प्रश्नों का उत्तर। ये क्लास टेंथ का संस्कृत है, संस्कृत बुक पीयूषम है, ठीक है ना। तो इसका हम लोग यहाँ पे आंसर क्वेश्चन देखने वाले हैं। और इससे पहले वाले वीडियो यानी कि 11 चैप्टर आपको इस आई बटन पे, यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक दिया रहेगा, तो आप यहाँ से 11 चैप्टर का आंसर क्वेश्चन देख सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पे हिंदी अर्थ भी दिया हुआ रहेगा और साथ में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चैप्टर बाई चैप्टर दिया हुआ रहेगा आई बटन पे, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो कर्णस्य दानवीरता के नाम पे है, तो चलिए देख लेते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया अधोलिखता नाम पदा नाम पर्यावय वाची पदानी वदत, यानी नीचे लिखे जो पद हैं उनको आपको पर्यावाची शब्द बोलने हैं, पर्यावाची पद आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे बोलने की बात करा तो हम लोग लिखेंगे, जैसे मूढ़, मूढ़ के मतलब क्या होगा, मूर्ख, मूढ़ के मतलब मूर्ख। इनके ऐसे और भी यहाँ पे आप देख सकते हैं अज्ञ, ठीक है ना, इसी का पर्यायवाची शब्द है। फिर उसके बाद अज्ञानी, ये सभी मूढ़ का ही पर्यायवाची शब्द है। तो हमने एक एक यहाँ पे लेकर के आपको समझा दिया है। सेकंड में वाजिना, वाजिना के मतलब अश्व होता है, और अश्व का एक और नाम आप लोग याद रखेंगे घोटक, ठीक है ना, घोटक। और एक इसका और नाम है तुरंग, तो ये इनका पर्यायवाची शब्द है। वारना, वारना के मतलब होता है गज, और गज का एक और होता है हस्ती। फिर उसके बाद मातंग, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। फिर उसके बाद क्षीरम, क्षीरम का मतलब होता है दुग्धम, इसका एक और होता है संस्कृत में पर्यायवाची शब्द पय। फिर उसके बाद हम लोग भुजंग, भुजंग का मतलब होता है सर्प, इसका और नाम है अहिम। फिर उसके बाद नाम है बिषधर, बिषधर इसी का नाम है, फिर भुजंग तो यहाँ पे दिया ही है। फिर उसके बाद कनकम, कनकम का मतलब होता है स्वर्णम, यानी समझ ही रहे स्वर्णम के मतलब सोना। फिर उसके बाद कांचनम, फिर उसके बाद होता है दीप्तक, तो ये इसका पर्यायवाची शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अधोलिखता नाम पदा नाम प्रकृति प्रत्यय विभागम वदत, यानी नीचे लिखे पद का प्रकृति प्रत्यय आपको विभक्त करके बताना है। जैसे यहाँ पे बात किया है वक्तव्यम, तो वक्तव्यम का क्या हो जाएगा, वच जोड़ तब्यत, और आपको पता होना चाहिए तब्यत आपका क्या है, प्रत्यय है, तब्यत आपका प्रत्यय है। फिर उसी प्रकार से गम जोड़, उप जोड़, गम जोड़ लय, तो लय आपका क्या है, प्रत्यय है। इच्छामि, इस जोड़ मिप, ये आपका मिप क्या है, प्रत्यय है। फिर उसी तरीके से यहाँ पे दिया है सूर्यताम, सूर्यताम का क्या हो जाएगा, सुजोड़ अताम, ये आपका प्रत्यय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है विपरीतार्थक शब्दान वदत, यानी आपको उल्टे शब्द बोलना है, विपरीतार्थक शब्द बोलने हैं। जैसे दीर्घायु तो क्या हो जाएगा, अल्पायु, प्रीत अप्रीत, दत्वा गृहीतवा, यश अपसय प्रविष्टि यानी निर्गंचति। दीर्घायु के मतलब लंबे समय तक, यहाँ पे अल्पायु हो जाएगा। प्रीत के मतलब होता है स्नेह या प्रेम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, असनेह या घृणा। दत्वा के मतलब क्या होता है, तो दत्वा के मतलब घर से बाहर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घर में। तो इन सभी चीज को आप देख सकते हो। फिर उसके बाद संधि विच्छेदक कृतम, यानी संधि विच्छेद आपको करने हैं, जिसमें ये आपको बुक में दिया है, ये आपके बुक में दिया है, आप बुक में से भी जो व्याकरण लिखा होता है उसमें से भी आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप देखो तो सूर्यायनम, यहाँ पे क्या है, सूर्यायनम, तो क्या हो जाएगा, सूर्यो जोड़ एव। फिर उसके बाद एत देव, तो एतत जोड़ एव। प्रीतो अस्मि, यानी प्रीतः जोड़ अस्मि। कर्णम उपगम्य, तो क्या हो जाएगा, कर्णम जोड़ उपगम्यम। फिर तस्मादुभयम, तो क्या हो जाएगा, तस्माद जोड़ उभयम। फिर और भी इसके आगे है नेच्छामी, तो नेच्छामी के क्या हो जाएगा, न जोड़ इच्छामी। तो यहाँ पे हमने संधि देख लिया, और ये सभी आपका मौखिक में दिया हुआ प्रश्न था, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे लिखित प्रश्न को देखने वाले हैं। लिखित प्रश्न में कहा है अधोलिखता नाम प्रश्ना नाम उत्तरानि संस्कृत भाष्याम लिखत, यानी नीचे लिखे प्रश्न का उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखने हैं।
जिनमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क में कहा है ततः ब्राह्मण रूपेण कब प्रवेशति, यानी वहां ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किया था, तो उत्तर में लिखे ततः ब्राह्मण रूपेण इंद्र प्रवेशति, यानी वहां ब्राह्मण रूप में इंद्र प्रवेश किए थे। तो यहां से देख सकते हो आप सभी। फिर उसके बाद ख में गया कर्णम प्रथमा की दातुम इच्छति अस्म, यानी कर्ण सबसे पहले क्या देने की इच्छा करता है, तो उसमें यहाँ पे हमने लिखा है कर्णम प्रथमा सालंकर गो सहस्त्रम दातुम इच्छति अस्म, यानी कर्ण सबसे पहले सहस्त्रों गाय दान में देने की बात करता है। तो यहाँ से देख सकते हैं। फिर उसके बाद ग में कहा है काल पर्यायात का क्षयम गच्छति, यानी काल के उपरांत या समय के उपरांत किसकी क्षय हो जाती है, तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा है काल पर्यायात शिक्षा क्षयम गच्छति, यानी काल के उपरांत शिक्षा का क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है। फिर उसके बाद घ में कहा है कर्ण कस्य देशस्य राजा आसीत, यानी कर्ण कौन से देश का राजा था, हमने लिखा है कर्ण अंग देशस्य राजा अस्ति, यानी कर्ण अंग देश का राजा था। अगले किम तथैव तिष्ठति, यानी वहां पे कौन ठहरता है, तो यहाँ पे दंतम तथैव तिष्ठति देख सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट में है निम्नलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानाम स्थाने कोष्ठात् उचित रूपम आदाय प्रश्न निर्माण कुरुत, यानी नीचे लिखे वाक्यों में जो रेखांकित पद है उनके स्थान पर जो कोष्ठक में दिया गया रूप है उनसे प्रश्न निर्माण करने हैं। चलिए क में बात किया तथा प्रविष्टि ब्राह्मण रूपेण शक्र, और यहाँ पे शक्र पे क्या दे दिया है आपको, यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया, रेखांकित कर दिया है, और यहाँ पे आपको ब्रैकेट में दिया कह या का, इन दोनों में से क्या भरा जाएगा, तो हमने उत्तर में लिखा तथा प्रविष्टि ब्राह्मण रूपेण कह, यहाँ पे क्या भरा जाएगा क, और क का निर्माण करके यहाँ पे प्रश्न निर्माण किया जा रहा है। फिर उसके बाद हमें कहा है मतराम भिक्षा याचे, यानी यहाँ पे आपको क्या किम भराएगा या काम भराएगा, तो यहाँ पे दिए हैं महतराम, यानी महतराम भिक्षा याचे, यानी महान भिक्षा, ठीक है ना, महान भिक्षा चाहिए या महान भिक्षा दो, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा महतराम काम याचे, यानी महतराम इच्छा, महतराम क्या था, महतराम क्या था या महान क्या था, या महान क्या याचना किया था या मांगा था, ठीक है ना, तो यहाँ पे तो आप देख सकते हो भिक्षा मांगा था। फिर उसके बाद मुहूर्तकम क्षीरम पिवामी, तो यहाँ पे क्षीरम यानी कहने का मतलब मुहूर्त कब पीता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप क्या भर दोगे किम, ठीक है ना, मुहूर्त में कब, क्षीरम का मतलब तो आप ही आपको बताए थे दूध, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सुबुद्ध मूला पाद पर निपतंती, तो यहाँ पे आपको क या का में से भरना है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है शुद्ध मूला के निपतंती। फिर उसका अंग में जल स्थानागतम जलम सुष्यति, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा किम, तो आप ये जो आपका अंडरलाइन किया गया है उसमें। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, तो अगला जो क्वेश्चन है तीन में अधोलिखता नाम अव्यय पदा नाम सहायतम रिक्त स्थानानी पूर्यत, यानी नीचे लिखे गए जो अव्यय पद हैं उनसे आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करने हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से अव्यय दिए गए हैं, च एव अपि यदि यु, यानी आपको पांच अव्यय दिए गए हैं और पांच खाली जगह में भरने हैं। जैसे यहाँ पे क में दिया था खाली जगह नव अक्षे मूढ़ इति मा परिभवती, तो इसमें क्या भरा गया यदि। फिर उसके बाद ख में यस खाली जगह अस्य काम, तो यहाँ पे एव सूर्य खाली जगह था तो क्या भरा गया युव तिष्ठतु तेयस। फिर इसके बाद घ में दिया इंदम इदम देवा सूर्य खाली जगह अपि न भेदम, तो यहाँ पे अपि भरा गया। फिर उसके बाद जलम स्थानागतम खाली जगह था सुष्यति, तो क्या भरा जाएगा च। और उसके बाद संधि विच्छेद तो खुद से भी कर सकते हो, आपके बुक में भी दिया है, जैसे माछिरो तो क्या बना जाएगा मत जोड़ सिरो, दीर्घायु बवेती तो क्या बना जाएगा दीर्घ जोड़ आयु जोड़ भव जोड़ इति। फिर उसके बाद ही जोड़ अग्निष्टो फलम, तो क्या भरा गया हाग्नि अष्टो फलम, ठीक है ना। अत्यंत जोड़ अपि तो क्या बनेगा अन्य दपि, कृष्ण अस्य उपाय तो क्या भरा जाएगा कृष्णस्य जोड़ उपाय। फिर उसके बाद सह जोड़ अपि तो क्या बनेगा सो अपि, सहैव तो क्या बनेगा सह जोड़ एव, तो इस तरीके से यहाँ पे संधि विच्छेद हमने पूरा किया। फिर एक और आपको दिया है धिक जोड़ अयुक्तकम जोड़ अनुसोचितम,
तो क्या बन जाएगा, धिक युक्त मनुसोचितम, ठीक है ना, धिक युक्त मनुसोचितम। फिर उसके बाद पांच में का अधोलिखित नाम पदानाम प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, यानी नीचे लिखे गए पद का आपको प्रकृति विभक्त करके बताना है, जिनमें आप देख सकते हो गृहीतवा, तो गृहीतवा का क्या बन जाएगा, ग्रह जोड़ कत्वा, इसमें आपका कर्त्या, कत्वा क्या है आपका प्रत्यय है। ठीक उसी प्रकार से दातव्यम, तो क्या बन जाएगा, दा जोड़ तब्यत, यहाँ पे आपका जो ये तब्यत है ये आपका प्रत्यय है। फिर उसके बाद बारियुतुम, तो क्या बनेगा, वृत्त जोड़ नीच जोड़ तुमुन, तो यहाँ पे तुमुन आपका प्रत्यय है। फिर जितवा, तो क्या बनेगा, जी जोड़ कतवा, परिहर्त्य, तो परि जोड़ हरी जोड़ लेप, लेप आपका प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है, अधो लिखता नाम पदा नाम स्व वाक्यु संस्कृत भाषायाम प्रयोगम कुरुता, यानी नीचे लिखे पद का स्व यानी खुद से आपको संस्कृत भाषा में प्रयोग करना है वाक्य के रूप में। जैसे कर्ण, तो हमने लिख दिया कर्ण दानवीर आसित, यानी कर्ण दानवीर था। फिर उसके बाद क्षीरम, क्षीरम मधुरम भवति, यानी दूध मधुर होता है या मीठा होता है। फिर अश्व, तो अश्व धावति, यानी घोड़े दौड़ते हैं। फिर उसके बाद करिष्यामि, तो अहम इदम कर्म न करिष्यामि, यानी कि मुझसे या मैं इस कर्म को नहीं कर सकता, ठीक है ना। उसके बाद इच्छसि, तो हम किम इच्छसि, यानी तुम्हारी इच्छा क्या है, तो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद 7 नंबर में कहा है, अधोलिखित पदेशु मूल शब्द विभक्ति वचनम च लिखत, यानी नीचे लिखे पद का मूल शब्द लिखना है, विभक्ति लिखना है, वचन लिखना है। तो आइए बात कर लेते हैं, जैसे पृथ्वी, यहाँ एग्जाम्पल में भी आपको दिया था तेन, तेन का मूल शब्द है तत्, ये तृतीया है और एक वचन है। ठीक उसी प्रकार से आपको पृथ्व्या का लिखना है, तो पृथ्व्या का मूल शब्द है पृथ्वी, षष्ठी बहु षष्ठी और बहुवचन में है। सूर्य, तो सूर जो सूर है, सूर्य यानी सूर आपका मूल शब्द हो गया, तृतीया एक वचन। तो इस चीज को आप पीडीएफ से भी कर सकते हो, किरणस्य है तो कृष्ण है, षष्ठी है एक वचनम है, देहेशु है देह है सप्तमी है बहुवचन है, वृक्षात है वृक्ष है पंचमी है एक वचनम है, पादपा है तो पादप है प्रथमा है बहुवचन है। ठीक उसी प्रकार से जलम है तो जल प्रथमा है, ठीक है ना, एक वचन है, भिक्षाम भिक्षा है द्वितीय है एक वचन है, पुरुषेन पुरुष पुरुषेन तो पुरुष है तृतीय है एक वचन है, फिर उसके बाद धर्म तो धर्म है प्रथमा एक वचन। तो यहाँ से हमने विभक्ति आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि अस्तंभ पदाता नाम पदानाम ख, यानी क अस्तंभ में आपको दिया गया है और उसके बाद पद ख में आपको लिखित रूप से समुचित मेल करने हैं। तो यहाँ पे मेल करने वाले प्रश्न है, तो आइए बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है गोसहम, यानी गोसरम के मतलब गाय से रिलेटेड है, तो ये क्या देगा, तो ये क्षीरम देगा, दूध देगा। फिर अश्वम, तो अश्वम का क्या हो जाएगा, तो अश्वम दौड़ता है आरोहणम, ठीक है ना। फिर उसके बाद कर्ण, तो कर्ण क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से तो कर्ण दानवीर था, दानवीरा हो जाएगा। फिर शुब्द मूला, तो क्या हो जाएगा शुब्द मूला का, तो ये पादपा हो जाएगा। फिर उसके बाद महतराम, महतराम क्या होता है आपको बताना है कि महतराम क्या होता है, तो महतराम यानी महान क्या था, तभी भिक्षा था, तो यहाँ से भिक्षा हो जाएगा। फिर शक्र, शक्र कौन था, तो ब्राह्मण विषधारी, यानी ब्राह्मण के विष में आया था, ब्राह्मण का विष धारण कर करके, तो यहाँ पे हमने इसको मिलान कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, तो इसमें भी कहा है कि रेखांकित पदाना पदानी बहुवचने परिवर्तित, यानी नीचे लिखे रेखांकित पद का आपको बहुवचन परिवर्तन करने हैं। जैसे एक वचन में दिया तस्मय फलम फलम ददाती, और तस्मय में आपको हाईलाइट कर दिया है, तो हमने बहुवचन में क्या बना दिया, तेभ्य फलम ददाती, यानी यहाँ पे तेभ्यम तस्मय का बहुवचन हो गया। ठीक उसी प्रकार से इदम का क्या बना दिया, यहाँ पे इमानी बना दिया, ठीक है ना। बाकी जो का त्यों रहेगा, जो हाईलाइट है उसको आपको बहुवचन करना है। कनकम था तो कनकानी बना दिया, कार्यम कार्यम है तो इसको क्या बना दिया, कार्यानी बना दिया, ठीक है ना। फिर इसमें आपको मया का दिया था, तो मया का क्या होता है, अस्मावी होता है। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छूट गया है, तो यहाँ पे आप इसको किस में हाईलाइट कर लेंगे, अंग वाले क्वेश्चन है ना, तो अंग में आप पुरुषस्य को हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है ना, ये पुरुषस्य हाईलाइटेड है, तो यहाँ पे हमने क्या बना दिया, पुरुषानाम, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने कार्य कर दिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा, अस्तंभ द्वय लिखता नाम विपरीतार्थक शब्दानाम मेलनम कुरुति, यानी अस्तंभ में दिए गए लिखित पद हैं उनको आपको विपरीतार्थक शब्द वाले से मेल करना है।
तो चलिए यहां पे बात कर लें महतराम, तो महतराम का क्या बनेगा विपरीतार्थक, महतराम का क्या बनेगा लघुतराम, ठीक है ना। प्रीत का क्या बन जाएगा प्रीत, प्रीत का मतलब होता है प्रेम, या प्रीत का मतलब संज्ञा कह सकते हो, तो यहां से आपको लगाना है। तो प्रीत का क्या हो जाएगा यहां से देखो मिलाकर के, तो प्रीत का मतलब दुखित, ठीक है ना। फिर उसके बाद याचक, याचक का क्या हो जाएगा, याचक मतलब मांगने वाला, तो याचक क्या हो जाएगा दाता देने वाला। दीर्घायु के क्या हो जाएगा अल्पायु, मूढ़, मूढ़ माने मूर्ख विद्वान। फिर यश, यश के क्या हो जाएगा अपयश्य। फिर गतवा के यश था ना, यश, यश के मतलब हाँ वही यश विद्वान, ठीक है यश तो अपयश्य, ठीक था। फिर उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे गतवा, तो गतवा का क्या बन जाएगा देखिए और नीचे दिया है, गतवा का बन जाएगा अगत्य, अस्ति के नास्ति, यानी है के नहीं है, तो यहाँ पे हमने इसको मिला दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में और भी एक क्वेश्चन 11 नंबर में, 11 नंबर में कहा कि निम्नलिखित पदेषु उपर्युक्तानां विभक्ति लिखत, इसमें भी नीचे लिखे पद में आपको विभक्ति और वचन भी लिखने हैं, जिनमें आप देख सकते हो अंग है तो क्या बन जाएगा प्रथम एक वचन, तृतीया तृतीया एक वचन, अस्य षष्ठी एक वचन, संशय प्रथमा एक वचन, पृथिव्य पृथिव्या तृतीया एक वचन, देहेशु तो सप्तमी एक वचन, गजम द्वितीय एक वचन। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सभी ऑब्जेक्टिव और साथ में जो इससे बनने वाले प्रश्न थे उसको हमने यहाँ पे पूरा किया। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, फिर मिलते हैं हम लोग अगले कंटेंट में अगले चैप्टर्स के साथ। तो अब तक के लिए धन्यवाद, इस चैनल पे बने रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।